कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने जब से सियासत में एंट्री मारी है तब से ही विधानसभा एक में दाल बाफले और लड्डू का सियासी स्वाद जनता की जुबान पर चढ़ा हुआ है। वहीं इसी सियासी स्वाद को बरकरार रखने के लिए एक बार फिर से संजय शुक्ला ने मिलन समारोह के साथ साथ चर्चा दाल बाफले पर कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा एक में हर रविवार मिलन समारोह के साथ साथ शुद्ध घी में जनता को दाल बाफले और लड्डू खिलाने वाले विधायक संजय शुक्ला के भी दोनों हाथ घी में और मुंह में देसी घी का लड्डू नजर आ रहा है। तभी तो विधायक होने के साथ साथ शुक्ला को पार्टी ने महापौर पद का प्रत्याशी भी घोषित कर रखा है। वहीं इन सब के बीच एक बार फिर से संजय शुक्ला ने मिलन पॉलिटिक्स के साथ साथ दाल बाफला और लड्डू पॉलिटिक्स की शुरुआत अपने विधानसभा में कर दी है, जिसका आगाज वार्ड क्रमांक 9 में मिलन समारोह और सम्मान समारोह के साथ हुआ। वहीं अपनी मिलन पॉलिटिक्स को लेकर विधायक संजय शुक्ला का क्या कुछ कहना है, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए 2018 के चुनाव के पहले से हम लगातार 3 साल पहले से हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, अपने वरिष्ठ लोगों का सम्मान करना, हमारे मोहल्ले के लोगों का सम्मान करना, समाज सेवी हो या कार्यकर्ता हो या बीजेपी हो, हमने सबका सम्मान करा था। उसके बाद हमने कथा भी कराई, उस पर दाल बाफले हर हफ्ते दाल बाफले को राम रख के हर कार्यकर्ता मिला, उस पर दाल बाफले चर्चा की बात करी। उसके अलावा जब आपके आशीर्वाद से लोगों के आशीर्वाद से मैं विधायक बनने के बाद लगातार हमारी सरकार होने के बाद 1 साल 1.5 साल तक लगातार काम करता रहा। उसका कोरोना महामारी आ गई थी तो हम कार्यक्रम नहीं कर पाए। हमने पहले भी किया था कि हम प्रोग्राम करेंगे, अभी तो कोरोना महामारी अब कम हो गई है तो हमने जो कार्यकर्ता 2 साल पूरे हो चुके थे तो हम लोगों ने हर जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बूथ कमेटी बनती है उस कमेटी के कार्यकर्ता और वहाँ के समाज के वरिष्ठ लोग जो बड़े परिवार हैं जो लोग वहाँ के दुख सुख के अंदर लोगों के काम आते हैं तो ये बूथ वाइज हमने सम्मान समाज वगैरह हर बूथ 20 से 25 लोगों का सम्मान कर रहे हैं। उस सम्मान के लिए इसलिए सम्मान किया जाता है कि उन लोगों ने अपने मोहल्ले के क्षेत्र में सबके दुख सुख काम करा तो हम क्यों नहीं उनका सम्मान करें। तो हमने आज वार्ड क्रमांक 9 चालू करा, मेरी विधानसभा 17 वार्ड है, हर हफ्ते 17 वार्ड के अंदर ही हम हर हफ्ते सम्मान करेंगे। जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो या समाज की समाजसेवी हो या डॉक्टर हो उन सबका सम्मान करेंगे। ये लगातार हमने प्रयास चालू करा है कि हर हर वार्ड में हम कार्यक्रम करें 17 ही वार्ड में। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि दाल बाफला लड्डू के सहारे विधानसभा एक का गढ़ जीतने वाले संजय शुक्ला नगर निगम का गढ़ जीतने में कितने कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।